तो वेलकम है दोस्तों। देखिए आज की जो वैकेंसी है वह थोड़ी सी डिफरेंट वैकेंसी है और इसमें जो है केवल और केवल ईएक्स सर्विसमैन को ही लिया जाएगा। ठीक है, ईएक्स सर्विसमैन मतलब कि जो कि सेवा कर चुके हैं, काम कर चुके हैं सरकारी संस्थानों में, उनको ही लिया जाएगा। और यह वैकेंसी है महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय झारखंड रांची। ठीक है, अब देख लेते हैं तो किसकी वैकेंसी है। टोटल जो है 28 पदों पर वैकेंसी है और यह वैकेंसी है झारखंड राज्य के चारों सीआर। ठीक है, यानी कि काउंटर इंसर्जेंसी एंड एंटी टेररिस्ट स्कूल क्रमशः नेतरहाट जिला, ठीक है, लातेहार में है। फिर है आपका पद्मा जिला हजारीबाग में है। ठीक है, फिर है मुसाबनी जो कि जिला जमशेदपुर में है, और एक है आपका टेंडर ग्राम जो कि रांची जिला में है। इन चारों में आपको भर्ती है और निम्नलिखित रिक्त पदों के लिए संविदा यानी कि रेगुलर वैकेंसी नहीं है। इसमें आपको जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना होगा, 20 से 30,000 के बीच में सैलरी है। मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ सैलरी। देखिए दो प्रकार के पोस्ट हैं, वरीय अनुदेशक, इसमें जो आपको सैलरी 30,000 दिया जाएगा, और अनुदेशक, इसमें आपको 20,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। ठीक है, और साथ में जो है वर्दी का खर्चा आपको 1500 रुपये दिया जाएगा प्रतिवर्ष। अब देख लेते हैं तो यहाँ पे वैकेंसी के बारे में क्या बोला गया है। आगे देखिए यहाँ पे वरीय अनुदेशक जिसमें जो है टोटल आपको 30,000 रुपये सैलरी मिलेगा, इसमें तीन वैकेंसी है। और अनुदेशक, ठीक है, यानी कि हवलदार, इसमें जो है आपको 25 वैकेंसी मिल रही है और सैलरी इसमें 20,000 रुपये है। अब देखिए तो यहाँ पे बोला गया है कि इस नियुक्ति में जो है इन शर्तों को पालन करना होगा। पहला शर्त क्या है कि भर्ती में कम उम्र, कोर्स ग्रेडिंग, शैक्षणिक योग्यता एवं उग्रवाद ग्रसित क्षेत्र में ऑपरेशन का अनुभव प्राप्त भूतपूर्व सैनिक को प्राथमिकता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई पहली चीज, जिनका कम उम्र है उनको प्राथमिकता दिया जाएगी भर्ती में, कम उम्र और कोर्स ग्रेडिंग जो किए होंगे, या फिर शैक्षणिक योग्यता जिनका ज़्यादा होगा, एवं उग्रवाद ग्रसित में ऑपरेशन का अनुभव जिनके पास होगा उनको ज़्यादा वरीयता दिया जाएगा। साथ ही उक्त नियुक्ति में झारखंड राज्य के भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। वैसे तो ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन झारखंड के सैनिकों को वरीयता दिया जाएगा। अब देखिए ग नंबर में बोला गया है कि नियुक्ति के समय अधिकतम उम्र सीमा क्या होगी। तो देखिए वरीय अनुदेशक के लिए आप मैक्सिमम 55 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, उससे ज़्यादा है तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और अनुदेशक यानी कि हवलदार के लिए आप 50 साल तक अगर मैक्सिमम आपकी उम्र है तब अप्लाई कर पाएंगे, उससे कम ही होना चाहिए। ठीक है, 55 से ज़्यादा नहीं इसमें, और इसमें आपको 50 से ज़्यादा उम्र नहीं होना चाहिए। अब देख लेते हैं तो यहाँ पे फिर बोला गया है मेडिकल कैटेगरी। तो बोला गया है कि सेवानिवृत्ति के समय आपका सेप 1 या ए वन, ठीक है, जिसको A1 बोलते हैं, तथा नियुक्ति से पहले मेडिकल जांच में पूरी तरह योग्य पाया जाने पर जो है आपको लिया जाएगा। फिर बोला गया है कि आचरण सेवानिवृत्ति के समय आपका जो है आचरण वेरी गुड होना चाहिए। और फिर बोला गया है तथा डिस्चार्ज बुक में एक से अधिक लाल स्याही अंकित नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो जनरली आदमी का एक से अधिक लाल स्याही नहीं होता है। फिर आपको बोला गया है कि वरीय अनुदेशक के उम्मीदवार नीचे दिए गए किसी दो कोर्स में कम से कम बी या ग्रेड हासिल किए हों, ठीक है, जिनमें से आपका जो है प्लाटून कमांडर कोर्स अनिवार्य है, तथा अनुदेशक ने किसी एक कोर्स को सफलतापूर्वक किया होना चाहिए। ठीक है, तभी आपको यहाँ पे लिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे टोटल आपके 6 कोर्स हैं, 6 में से आप कोई आपको एक होना ही चाहिए। पहला है कमांडो कोर्स या फिर NSG कमांडो, यार नाम तो सुने होंगे। अगला है आपका काउंटर इमरजेंसी कोर्स, ठीक है, अगला है आपका प्लाटून वेपन कोर्स, फिर है आपका PT कोर्स या फिर PS कोर्स या फिर FE या IED कोर्स, ये में से कोई भी आपको जो है कोर्स किए होने चाहिए। ठीक है, कोई भी एक कोर्स आप सफलतापूर्वक कंप्लीट किए हों तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। आगे देखते हैं तो बोला गया है कि उपरोक्त नियुक्ति संविदा के आधार पर होगा, जिसे आप आवश्यकता अनुसार विस्तार किया जाएगा। ठीक है, ये मतलब आपका एक साल हो जाएगा, फिर आपके अगले साल तक एक्सटेंड कर देंगे, रिन्यूअल कर देंगे। परमानेंट वैकेंसी नहीं है, लेकिन आपको जो है एक्सटेंड कर करके रखा जाएगा इसमें। ठीक है, और वैसे भी इस उम्र के बाद आपको परमानेंट वैकेंसी नहीं मिलेगा।
फिर देखते हैं वरीय अनुदेशक। इसमें बोला गया है कि अनुदेशक को नियुक्ति के पश्चात निम्नलिखित आपको ये सैलरी दिया जाएगा, ठीक है, 1500 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाएंगे, और छुट्टी जो है आपके टोटल 50 होंगे, 30 छुट्टी जो रहेंगे आपके वार्षिक रहेंगे एनुअल वेकेशन, और आपके जो है आकस्मिक छुट्टी जिसको कैजुअल लीव बोलते हैं कैजुअल लीव रहेंगे आपके 20, कुल मिला के 50 छुट्टी आपको मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए आपका जो सिलेक्शन किया जाएगा वह इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। यहाँ पे बोला गया है साक्षात्कार, नियुक्ति हेतु साक्षात्कार दिनांक जो है 15/6 यानी कि 15 जून 2023 को सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा। कहाँ पे शुरू होगा, तो झारखंड सशस्त्र पुलिस, ठीक है, सशस्त्र पुलिस 1 बटालियन JAP 1 परिसर डोरंडा में होगा, रांची। कहाँ पे होगा, डोरंडा रांची में हो जाएगा, ठीक है। इच्छुक उम्मीदवार सभी दस्तावेज मूल प्रति एवं उसकी छाया प्रति के साथ जो है इस डेट को यानी कि 15/6/2023 को आपको उपस्थित होना है डोरंडा रांची में, 10 बजे से पहले वहाँ पे पहुँच जाना है 9:30 बजे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है आपको ये सारी चीज़ें ले जानी है, पहले डिस्चार्ज बुक, ठीक है, फिर आपका पहचान पत्र, इसमें आप आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड वगैरह ले जा सकते हैं, फिर आपको जो है 4 स्टाम्प साइज फ़ोटो आपके होने चाहिए, फिर आपका यहाँ पे PPO होना चाहिए आपके, फिर आपका कोर्स का मूल सर्टिफिकेट होना चाहिए जो भी आप कोर्स किए हैं, ठीक है। फिर बोला गया है कि अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो इसके लिए 10:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक आपके जो ये कार्यालय हैं यहाँ पे आप फ़ोन कर सकते हैं, ये नंबर है इनका कार्यालय का, यहाँ पे आप इस फ़ोन करके पूछ सकते हैं। यार बच्चे जो हैं पूरा परेशान कर देते हैं, बच्चों के साथ रहने से नहीं यही दिक्कत है कब रोने लगेगा। चलिए जो भी है, तो ये वेबसाइट है इनका, ठीक है, यहाँ पे आप फ़ोन नंबर दिया गया है, आप इसको फ़ोन कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है, या फिर बोल देता हूँ 0651240 1906, इस नंबर पे आप फ़ोन भी कर सकते हैं, ठीक है, 10 से 5:30 बजे के बीच सोमवार से शनिवार, और पता कर सकते हैं। बाकी मैंने जितने भी जानकारी थी सब दे दी। फिर बोला गया है कि उक्त पदों पर जो है नियुक्ति हेतु निर्धारित सेवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन राज्य सरकार द्वारा किया जाने पर अनुरूप लागू होगा, और यह झारखंड सरकार का है, भारत सरकार का नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है। फिर बोला गया है उक्त विज्ञापन में जो है किसी प्रकार का संशोधन परिवर्तन रद्द करने का पूरा अधिकार झारखंड सरकार को है, ठीक है। तो ये थी एक्स सर्विसमैन के लिए वैकेंसीज, और मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह से मैं आपको देता रहता हूँ सभी प्रकार के अपडेट। तो अगर आपके घर में आप या फिर आपका कोई दोस्त या फिर आपके कोई बड़े, ठीक है, एक्स सर्विसमैन है, तो प्लीज़ उन तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। वैसे भी एक्स सर्विसमैन होने के बाद आदमी जो है फालतू में घुलता फिलता रहता है, मतलब कोई काम की तलाश में रहता है लेकिन बता नहीं पाता कि क्या करें, ऐसे में आदमी को मिल जाता है तो अच्छी बात है, ठीक है। और विशेष रूप से जो लोग फोर्स में रिटायर्ड हुए हैं उनके लिए अच्छा अवसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।